और आज हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। आप लोग जानते हैं, हमने क्लासेस में कवर किया हुआ है ऑलरेडी। आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई किया गया है दो तरह से, वन इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड अनदर वन इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के अलग पार्ट्स थे, चेन, पोजिशन, टोटो, मेटा, फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमने क्लास में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल एंड दैट इज कॉन्फिग्रेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कॉन्फिग्रेशनल एंड कन्फर्मेशनल में हम बात करें तो कॉन्फिग्रेशन को फर्दर डिवाइड किया गया था ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, और ज्योमेट्रिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें मेन पार्ट्स रहेंगे डिस्कस करने के, दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, काइरल सेंटर क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसको हम शॉर्ट में पीपीएल भी बोलते हैं वो क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, रेंशियोमर्स एंड द डाइस्टियोमर्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से के सॉल्यूशन से जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाएगा तो लाइट के प्रति कैसा बिहेवियर दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री से। अगर बात करें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को, तो इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर पार्ट्स। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री चार टाइप की होती है। वन इज पीओएस, पॉस भी बोल देते हैं, पीओएस मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड वन इज कॉस, कॉस मींस सीओएस मींस दैट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट वन इज द एओएस, एओएस एओएस मींस द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एंड लास्ट वन इज एएओएस, एएओएस मींस अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये चार टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स अपने पास होते हैं। वन इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, अनदर वन इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम लोग अगर बात करें ऑप्टिकल एक्टिविटी मॉलिक्यूल्स की देखनी हो तो केवल इन पहले दो सिमेट्री के बेस पर ही हम आइडिया लगा सकते हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन दीज ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स। पहला अपन स्टार्ट करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने सपोज एक ट्राइंगल लिया और इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करना है तो ये क्या होगा, दैट इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन इन द मॉलिक्यूल अबाउट विच या विच कट्स द मॉलिक्यूल इन टू इक्वल हाफ इन सच ए वे दैट द बोथ पार्ट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड दे आर आइडेंटिकल। क्या है, मैं दोबारा बोलता हूं, दैट इट इज एन इमेजिनरी प्लेन। ये हमने मन ही मन में इस मॉलिक्यूल को, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को काटा और मॉलिक्यूल इस तरह डिवाइड हो गया कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ एंड दीज टू इक्वल पार्ट्स आर आइडेंटिकल एंड द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे अगर मैं बात करूंगा, जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसकी मिरर इमेज कहीं यहाँ आएगी, इस पॉइंट की मिरर इमेज कहीं यहाँ आएगी, इस पॉइंट की मिरर इमेज यहाँ आएगी, इस पॉइंट की मिरर इमेज यहाँ आएगी। दस वी कैन से दैट कि इस प्लेन के काटने की वजह से एग्जैक्टली मिरर इमेज हमको दिखाई दे रही है, तो हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में या इस ट्राइंगल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हमने एक स्क्वेयर लिया, स्क्वायर में अगर हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाना है तो अगर हम इस इमेजिनरी प्लेन को इधर से पास करें या फिर इधर से पास करें या फिर एक और प्लेन इसमें हो सकता है लाइक दिस वे, ठीक है ना, इस तरह भी अगर हम प्लेन को पास करेंगे, सो देयर आर मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सिमिलरली अगर हम कोई पेंटागन ले लेते हैं और पेंटागन सपोज इस तरह का है तो यहाँ पर भी एक इमेजिनरी प्लेन इस तरह पास किया जा सकता है और ये मॉलिक्यूल भी क्या दिखाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री को अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स। जैसे अगर मुझे अल्फाबेट्स में या फिर इससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज सर्किल में अपने को देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं, हमने इस इमेजिनरी प्लेन से सर्किल को काटा तो ये दो हेमिस्फेयर में, जैसे स्फेयर को काटा तो दो हेमिस्फेयर में कट गया, तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, मतलब कहीं से भी इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन दिस
सर्किल और वी कैन से स्फीयर में इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेंगे। सिमिलरली जगह सपोज अगर अल्फाबेट्स में हमको देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, जैसे ये ए लिखा हमने, तो यहाँ पर ये वाला प्लेन ऐसा रहेगा विच विल कट द मॉलिक्यूल इनटू इक्वल हाफ विच आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सिमिलरली सपोज बी लिखा हमने, बी अगर हमने लिखा तो यहाँ पर भी क्या है, देयर इज आल्सो ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली सी लिखेंगे तो उसमें ये वाला प्लेन हो जाएगा, डी लिखेंगे तो उसमें भी ये वाला प्लेन हो जाएगा। सपोज मैं एफ लिखता हूँ, क्या एफ में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हमको एफ में कोई ऐसा प्लेन नहीं दिखाई दे रहा है विच विल कट दिस मॉलिक्यूल इंटू टू इक्वल हाफ, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जैसे मैं अगर एन की बात करता हूँ, एन जैसे अल्फाबेट है तो यहाँ पर पी ओ एस नहीं पाएगा, इन सब मॉलिक्यूल में पी ओ एस था। एन की अगर हम बात करें यहाँ पर पी ओ एस है या नहीं, जैसे सपोज हमने इस मॉलिक्यूल को इधर से काटा तो ये टू इक्वल हाफ में तो डिवाइड हो गया, बट ये एग्जैक्टली मिरर इमेज नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हैव पी ओ एस। क्यों? जैसे सपोज यहाँ से इस मॉलिक्यूल को काटा तो इस पॉइंट की मिरर इमेज कहीं यहाँ आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। दैट इज वाई दिस एन मॉलिक्यूल डज नॉट पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं Z में कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो इट इज लाइक सिमिलरली उल्टा बना दिया है N को, सो दिस आल्सो डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। सपोज हम इसको ऐसे काटते हैं तो इसकी मिरर इमेज कहीं यहां आनी चाहिए थी, विच इज नॉट प्रेजेंट, दैट्स वाई दिस मॉलिक्यूल आल्सो डज नॉट पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में एक आइडिया लिया। जैसे अब इसी कॉन्सेप्ट को अपन अप्लाई करते हैं टू द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स में अगर हम इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले अपन सिस्टम लेते हैं अनसैचुरेटेड सिस्टम, और जैसे ही अनसैचुरेटेड सिस्टम में अपन देखेंगे पीओएस, उसके बाद अपन बात करेंगे इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, और साइक्लिक मॉलिक्यूल्स के बाद अपन बात करेंगे दैट इज द सैचुरेटेड सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड में जैसे हमने सबसे पहले लिया सपोज इस तरह का मॉलिक्यूल लिया, इथीन लिया, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल। हमें पता है कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 और प्लेनर, ये प्लेन में मॉलिक्यूल है। अब मैं पूछूं आपसे क्या यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को इस इमेजिनरी प्लेन से कट करते हैं तो दिस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, और इस एच की मिरर इमेज यहाँ एच है और इस एच की मिरर इमेज यहाँ एच है, दस दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कितने प्लेन है सिमेट्री के, तो हम बोलेंगे एक तो ये वाला प्लेन है। सिमिलरली अगर इस मॉलिक्यूल को इस तरह भी डिवाइड किया जाए, दिस इज आल्सो प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसकी इमेज यहाँ आएगी और इसकी इमेज यहाँ आएगी। देयर इज वन मोर प्लेन इन दिस मॉलिक्यूल, लाइक जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल रखा हुआ है, अगर हम उसी प्लेन से इस मॉलिक्यूल को काटते हैं, उसी प्लेन से, हमें पता है हम एटम्स को स्फीयर मानते हैं, तो स्फीयर कन्वर्ट ये बाइसेक्ट होते हुए जाएंगे, एंड देयर इज आल्सो वन मोर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो ओवरऑल थ्री प्लेन ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट इन दिस इथीन मॉलिक्यूल। सपोज हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं और हमने मॉलिक्यूल लिया 1.2 डाइक्लोरोइथीन, और हमने ये सिस मॉलिक्यूल लिया, सपोज सिस 1.2 डाइक्लोरोइथीन। अगर इसमें पूछा जाए कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या नहीं, तो अगर जैसे हमने सपोज इस प्लेन को यहां से काटा और इस प्लेन के अकॉर्डिंग यहां एच की मिरर इमेज एच है, इस क्लोरीन की मिरर इमेज क्लोरीन है, दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो हैविंग पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन यहां से नहीं होगी क्योंकि एच का मिरर इमेज सीएल आ रहा है, विच इज एच की मिरर इमेज एच आनी चाहिए थी, इसका मतलब ये वाला प्लेन पीओएस नहीं है और एक मॉलिक्यूलर प्लेन तो होगा ही, सो देयर आर टू पीओएस। तो हम एक बात कॉमन लिख सकते हैं नोट करके, दैट every planar molecule कोई भी planar molecule होगा has at least कम से कम one plane of symmetry तो होगा ही होगा, which is the molecular plane, वही plane जिसमें वो molecule रखा हुआ है, एक plane तो यही हो जाएगा। जैसे third molecule अपन लेते हैं जिसमें suppose हमने ले लिया H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Br और यहाँ पर I। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल में क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि ये वाला प्लेन नहीं है, ये वाला प्लेन नहीं है, बट मॉलिक्यूलर प्लेन इज देयर, जिसमें मॉलिक्यूल रखा हुआ है, बोथ विल बी बाइसेक्टेड और हम कहेंगे देयर इज वन पीओएस इन दिस मॉलिक्यूल, तो अनसैचुरेटेड सिस्टम है। और जैसे हम फर्दर एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे सपोज ये वाला मॉलिक्यूल लिया हमने और यहाँ पर इथीन लिया,
इस वाली के मॉलिक्यूल में अगर हमको पूछा जाए कि क्या कोई पीयूएस है, तो हम यहाँ पर इसको प्लेन को डिवाइड कर सकते हैं, देयर इज वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली अनदर वन इज द मॉलिक्यूलर प्लेन, सो देयर विल बी टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाला प्लेन तो होगा नहीं। सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे सपोज अगला मॉलिक्यूल लिया हमने, सपोज इस तरह का मॉलिक्यूल लिया, क्या यहाँ पर कितने पीयूएस हैं? जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगा नहीं, देयर विल बी दिस दिस प्लेन वन पीओएस विल बी देयर। बात समझ आई? जैसे और कोई मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल हमने लिया, और यहां पर हम बात करेंगे तो ये वाला एक प्लेन आएगा और दूसरा मॉलिक्यूलर प्लेन आएगा, देन देयर विल बी टू प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस मॉलिक्यूल। तो हमने देखा अनसैचुरेटेड सिस्टम में कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, ठीक है ना। अब अपन आगे बात करते हैं साइक्लिक सिस्टम में कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री अपन देखेंगे। अनसैचुरेटेड सिस्टम यहां पर फिनिश होता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं साइक्लिक सिस्टम में। साइक्लिक में हम सबसे पहले बात करेंगे, दैट इज द अनसब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स, जिनके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसे सिंपल हमने साइक्लोप्रोपेन की बात करी, साइक्लोप्रोपेन में हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज एन इमेजिनरी प्लेन विच कट्स और बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स विच आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दैट इज व्हाई दिस इज सेड टू बी पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन लिया, साइक्लोब्यूटेन में भी इस तरह का भी पीयूएस है, यहाँ से भी पीयूएस है, एंड अलोंग द डायगोनल भी एक पीयूएस है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड की, जिनमें एक सब्स्टिट्यूशन रखा रहता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। जैसे हमने यहीं पर इस साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल से एक क्लोरीन ग्रुप अटैच कर दिया, दिस इज सीएल एंड दिस इज एच, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन हुआ। अगर हमसे पूछा जाए कि क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हम बोलेंगे कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को इसी तरह बाइसेक्ट कर दें, इस तरह का प्लेन डालें, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो बाइसेक्ट हो जाएंगे एंड दीज टू विल रिफ्लेक्ट, हम बोलेंगे यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे तो फोर मेंबर्ड रिंग पर भी अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन आएगा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि एक क्लोरीन अबाउ द प्लेन है और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, उसी प्लेन से अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, दैट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे सपोज हमने एक साइक्लोप्रोपेन से दो सब्स्टिट्यूशन किए, यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक क्लोरीन लगाया, यहाँ पर क्लोरीन लगाया, ये तो सिंगल कार्बन पर हुए। और हम ऐसे भी बात कर सकते हैं, सपोज यहाँ पर एक क्लोरीन लगाया, यहाँ पर इस तरह क्लोरीन लगाया। यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि क्या यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हम बोल सकते हैं अगर ये क्लोरीन अबव द प्लेन है, सपोज इसको देखो, ऑब्जर्व करो, ये अगर साइक्लोप्रोपेन इन द प्लेन है तो एक क्लोरीन इससे बाहर आ रहा होगा, दिस इज अबव द प्लेन, एंड ये क्लोरीन इसके बिलो जा रहा होगा, दिस इज द बिलो द प्लेन। तो अगर हम इसी से एक प्लेन काटते हैं यहाँ से, और ये बाइसेक्ट करेगा क्लोरीन अबव को और बिलो को, इस तरह बाइसेक्ट करेगा, एंड दीज टू विल बी द मिरर इमेज, तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। इस मॉलिक्यूल में अगर हम बात करेंगे तो इसको डिवाइड करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का को मिरर इमेज दे रहा है और क्लोरीन क्लोरीन की मिरर इमेज है, सो दिस इज आल्सो सेट टू पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड के केस। सिमिलरली अपन फोर मेंबर्ड रिंग में भी बात कर सकते हैं, ये तो थ्री मेंबर्ड के एग्जांपल हुए। फोर मेंबर्ड में जैसे अपने को डिस्कस करना है कि कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं। जैसे सपोज इस तरह का मॉलिक्यूल लिया और हमने हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन, आपसे पूछा जाए कि क्या यहाँ पर कोई पीओएस है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि अगर इस प्लेन इसमें से ये वाला प्लेन करेंगे डालेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा और सीएल सीएल को मिरर इमेज देगा, सो दिस इज आल्सो सेट टू पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। वन मोर एग्जांपल इज कि अगर हम मान के चलो हाइड्रोजन क्लोरीन, अब की बार इसका ट्रांसवर्जन ले लेते हैं, तो यहाँ पर अब की बार कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा क्योंकि मिरर इमेज नहीं देगा। सिमिलरली अपन बात कर सकते हैं आगे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि फोर मेंबर्ड रिंग में अब की बार ये तो वन और टू पर सब्स्टिट्यूशन था, अगर हम वन थ्री पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्लोरीन हाइड्रोजन
क्लोरीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये साफ साफ प्लेन दिखाई दे रहा है अपने को, जिसके अराउंड यहाँ पर इसकी मिरर इमेज ये और इसकी मिरर इमेज यहाँ पर ये दिखाई देगी। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं, जैसे हमने फोर मेंबर रिंग में ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, यहाँ पर अगर हम पूछें कि मिरर में यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, तो अगर हम इस प्लेन को पास करेंगे सो हाइड्रोजन की मिरर इमेज क्लोरीन आ रहा है, इट मीन्स POS नहीं है। लेकिन अगर हम इन्हीं क्लोरीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन से बाइसेक्ट करते हैं, देन दीज टू विल बी द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। का मतलब यह है कि सपोज अगर साइक्लोप्रोपेन रिंग में, इसको ऐसे समझो कि साइक्लोप्रोपेन का एक प्लेन यहाँ है, क्लोरीन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, और इसका हाइड्रोजन ऊपर क्लोरीन नीचे, तो अगर हम इस प्लेन से बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मिथाइल इसके मिथाइल से क्या कर रहा है तुम्हारा, ये मिथाइल और ये मिथाइल रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसकी मिरर इमेज आ रही है, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है इसमें, ठीक है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर साइक्लिक सिस्टम में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दैट इज द इन सैचुरेटेड कंपाउंड, थर्ड पार्ट इज इन सैचुरेटेड कंपाउंड में अपने को प्लेन ऑफ सिमेट्री की डिस्कस करना है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं CH4 का, मीथेन का। हमको पता है कार्बन CH4 इज sp3 hybridized है, तो का मतलब यह है कि टू हाइड्रोजन एटम्स आर इन वन प्लेन एंड वन हाइड्रोजन इज अबव द प्लेन एंड अनदर वन हाइड्रोजन इज बिलो द प्लेन। आप लोग समझ रहे होंगे इसको, ये एक प्लेन में है, ये प्लेन से ऊपर है। सपोज ये दीवार है, जो बोर्ड है, ये एक प्लेन है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है वन, दिस हाइड्रोजन टू, ये एक प्लेन में है, दिस इज हाइड्रोजन थ्री एंड दिस इज हाइड्रोजन फोर, सपोज हमने इनका नाम दे दिया, तो हम बोलेंगे कि ये एक प्लेन में H1C and H2, H3 इज अबव द प्लेन एंड H4 इज द बिलो द प्लेन। तो अगर हम बात करें क्या इसमें कोई ऐसा प्लेन है जहां से सिमेट्री आएगा, यस वी नो दैट कि अगर हम इस वाले को प्लेन मान लेते हैं और यहां से क्रॉस करते हैं, तो इस एच जो अबव द प्लेन है उसकी मिरर इमेज बिलो द प्लेन वाले से रिफ्लेक्ट होगी, या कहेंगे इसकी मिरर इमेज आएगी, तो हम बोलेंगे यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम इतना इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव होने का, ठीक है ना। इनके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री हो रही है या नहीं इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा, अगर जैसे हमने मॉलिक्यूल लिया, एक्चुअली इसमें 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं, वो जैसे हम बात करें यहाँ पर 1 और 2 को हमने प्लेन में माना और 3 और 4 को बाइसेक्ट किया। सिमिलरली अगली बार हम क्या कर सकते हैं, 1 हाइड्रोजन कार्बन और 2 हाइड्रोजन की बजाय 1 हाइड्रोजन कार्बन और 3 हाइड्रोजन को ले लें और फिर इन दोनों को बाइसेक्ट कर दें। सिमिलरली 1 4 हो सकता है, 2 1 2 3 2 4 हो सकता है, 1 2 और 2 1 तो बराबर है तो इसलिए यहाँ पर एक क्रॉस हो जाएगा। सिमिलरली 3 1 3 1 ऑलरेडी आ चुका है तो ये कट जाएगा। 3 2 को अगर हम ले लें, मतलब 3 हाइड्रोजन कार्बन और 2 हाइड्रोजन वो भी ऑलरेडी आ चुका है, एंड देन एट लास्ट विल बी 3 4। का मतलब टोटल यहाँ पर देर आर 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमें नहीं है मतलब इस बात से कि कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, अगर हमको एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, जिसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे सपोज अपन लेते हैं CH3Cl, ये लिया हमने, और CH3Cl में सपोज हमने क्लोरीन यहाँ रखा और हाइड्रोजन यहाँ, और दो हाइड्रोजन को ऐसे, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन और दूसरा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। तो अगर हम इस क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन को इन द प्लेन मान लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन और पीछे वाला हाइड्रोजन, दे विल रिफ्लेक्ट, दे विल बी द मिरर इमेज, और ये दोनों, ये सब क्या हो जाएंगे, क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन तो बाइसेक्ट हो जाएंगे अबव द प्लेन वाला हाइड्रोजन, बिलो द प्लेन वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज हो जाएगा। तो दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो सेट टू पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे मॉलिक्यूल लिया एक, एग्जाम्पल नंबर 3, दैट इज CH2Cl2, ये लिया हमने डाइक्लोरोमीथेन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DCM, डाइक्लोरोमीथेन। अगर इस मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें, अगर दो हाइड्रोजन को एक प्लेन में मान लिया जाता है, दूसरा क्लोरीन अबव द प्लेन और दूसरा क्लोरीन बिलो द प्लेन, तो अगर ये इन द प्लेन है तो एक अबव द प्लेन क्लोरीन और एक बिलो द प्लेन क्लोरीन। अगर इस मॉलिक्यूल को इस तरह बाइसेक्ट करते हैं तो इस क्लोरीन की मिरर इमेज यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, सो दे विल रिफ्लेक्ट एंड दीज थ्री विल बी बाइसेक्टेड। हम कहेंगे कि हेयर इज ऑल्सो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें, सपोज
अब की बार हमने एक मॉलिक्यूल लिया CH, Cl, Br एंड I का मतलब कार्बन से जुड़ने वाले हर ग्रुप को अलग ले लिया CH, Cl और यहाँ पर हमने क्या रखा ब्रोमीन और बिलो द प्लेन सपोज आयोडीन रखा। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल में इसको प्लेन है ये प्लेन वाले मॉलिक्यूल एटम है तो अगर हम इसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं और प्लेन डालते हैं तो ब्रोमीन का जो मिरर इमेज ब्रोमीन आना चाहिए था बट हियर इज आयोडीन। हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता है और प्लेन एग्जिस्ट सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम बोलेंगे ऐसे कार्बन को जिससे चारों ग्रुप अलग अलग डिफरेंट ग्रुप हों और ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम एटम को बोलते हैं हम कायरल एटम, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन है तो इसलिए इसको बोल देंगे हम कायरल कार्बन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऐसा एटम विच इज़ कनेक्टेड विद ऑल फोर डिफरेंट एटम्स और यहाँ पर कोई POS नहीं आ रहा है दिस इज नोन एज कायरल एटम और कार्बन के केस में इसको बोल देंगे अपन कायरल कार्बन। बात समझ में आई? सो यहाँ पर हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री खत्म होता है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको बताना है कि वेदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल और नॉट। सपोज हमने एक साइक्लोहेक्सेन रिंग ली, आपको बताना है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर बेंजीन ले लेते हैं सपोज, इसको यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल लिया हमने बेंजीन का, तो अगर हम ये वाला प्लेन डालते हैं तो दे आर रिफ्लेक्टेड, इनकी मिरर इमेज आ गई। यहाँ से एक प्लेन डाल सकते हैं और यहाँ से भी एक प्लेन, तीन प्लेन तो ये हो गए। दूसरा हम बिटवीन द बॉन्ड्स का भी प्लेन बना सकते हैं, यहाँ बिटवीन द बॉन्ड्स, ये बिटवीन द बॉन्ड्स और ये बिटवीन द बॉन्ड्स, तो 3POS तो अलोंग द एटम्स हुए, 3POS अलोंग द बॉन्ड्स हुए और एक POS मॉलिक्यूलर प्लेन भी रहेगा यहाँ पर। तो हम बोलेंगे कि टोटल देर आर 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द बेंजीन मॉलिक्यूल। बात समझ में आई क्या? बेंजीन में टोटल देर आर 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट जैसे अपन क्वेश्चन देते हैं बात करें कि बेंजीन ये साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है और यहाँ पर सपोज दिस इज अबव द प्लेन CH3, अबव द प्लेन CH3, बिलो द प्लेन CH3, बिलो द प्लेन CH3। इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन है क्या सिमेट्री का? यस, अगर हम इस प्लेन से कट करते हैं तो दिस मिथाइल विल रिफ्लेक्ट दिस मिथाइल एंड दिस मिथाइल बिलो द प्लेन दिस विल रिफ्लेक्ट दिस वन। तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। थैंक यू वेरी मच।